नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कटिंग टॉर्च के प्रोसेस, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। और दोस्तों, साथ में हम ये भी जानेंगे कि किसी भी एमएस वर्क पीस की कटिंग करने के लिए किन किन फ्यूल गैस का यूज किया जाता है। मेरी यह वीडियो प्लांट में वर्क करने वाले गैस कटर भाई लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गैस कटिंग टॉर्च का यूज मेटल वर्क के वर्क पीस की कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि प्लेट, बीम, चैनल, बार, ब्लेड एंड ऑल स्टील वर्क पीस। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेटल के वर्क पीस की कटिंग करने के लिए हमें दो गैस की रिक्वायरमेंट होती है। पहली प्योर ऑक्सीजन की, जिसे हम बर्निंग गैस भी कहा जाता है, और दूसरी फ्यूल गैस। और दोस्तों, हमारी फ्यूल गैस में छह अलग अलग टाइप्स की गैस शामिल होती है। पहला एसिटिलीन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा एलपीजी, चौथा प्रोपेन, पांचवा इथेन और छठवा मीथेन। दोस्तों, ये सभी फ्यूल गैस हैं जिनका यूज हम ऑक्सीजन के साथ वर्क पीस की कटिंग करने के लिए करते हैं। और दोस्तों, फ्यूल गैस के अकॉर्डिंग ही हमारी गैस कटिंग को डिफाइन किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कटिंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर हमें वर्क पीस की कटिंग के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ एसिटिलीन फ्यूल गैस का यूज करते हैं तो उसे ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग कहा जाता है। सेम उसी तरह दोस्तों, ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी प्रोपेन एंड सो ऑन। लेकिन दोस्तों, इन सभी गैस कटिंग के लिए हम एक ही टूल का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑक्सी प्रोपेन गैस कटिंग की। तो दोस्तों, ऑक्सी प्रोपेन कटिंग इज ए थर्मल कटिंग प्रोसेस दैट यूज ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस एस ओपन प्रोपेन टू कट थ्रू मटेरियल। यानी कि दोस्तों, इस कटिंग प्रोसेस में किसी वर्क पीस की कटिंग के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रोपेन गैस का यूज किया जाता है। और दोस्तों, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं वो मोस्टली ब्लैक कलर के होते हैं, और प्रोपेन गैस के जो सिलेंडर होते हैं वो रेड या तो मैरून कलर के होते हैं। अगर बात करें इसके रख रखाव की, तो ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस के सिलेंडर को हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में रखना चाहिए। और दोस्तों, इसके वाल को ओपन करने के लिए सिलेंडर की का यूज किया जाता है। और अगर बाय द वे आपकी सिलेंडर की गुम जाए, तो उस कंडीशन में आप 8 या 9 नंबर के रिंग स्पेनर से भी इसे कम्प्लीटली ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके गैस कंट्रोलिंग सिस्टम की। तो सिलेंडर के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें रेगुलेटर का यूज़ करते हैं, जिसमें दो प्रेशर गेज लगे होते हैं, जिसमें से हमारा पहला प्रेशर गेज हमारे सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बताता है, जिसमें हमें ये कंफर्म करने में आसानी हो जाती है कि हमारे सिलेंडर में टोटल कितनी गैस है या यूज होने के बाद कितनी गैस बची हुई है। जबकि हमारा दूसरा प्रेशर गेज हमारे डिस्चार्ज प्रेशर को बताता है, जिसे रेगुलेटर में लगे प्रेशर एडजस्टर से की मदद से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों, ऑक्सीजन के रेगुलेटर मेनली दो कलर के आते हैं, पहला ब्लू कलर और दूसरा ब्लैक। जबकि हमारे फ्यूल गैस के जो रेगुलेटर्स होते हैं वो मोस्टली रेड कलर के होते हैं, और इनका यूज करते समय या लगाते समय हमेशा टेपनल टेप का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी डिवाइस की। तो दोस्तों, हमारे ऑक्सीजन रेगुलेटर के साथ फ्लैशबैक अरेस्टर का यूज किया जाता है। ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है जो हमें और हमारे साइट पर होने वाली दुर्घटना से प्रोटेक्ट करता है, और इसका यूज़ सिलेंडर के बैक फायर को रोकने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं फ्लैश बैक अरेस्टर की एलिमेंट की। तो दोस्तों, इसमें चार तरह के एलिमेंट्स लगे होते हैं जो हमें चार तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। पहला NRB यानी कि नॉट रिटर्निंग वाल्व, दूसरा प्रेशर सेंसिटिव कट ऑफ, तीसरा फ्लेम अरेस्टर और चौथा टेम्परेचर सेंसिटिव कट ऑफ। अब बात करते हैं होस पाइप के सिलेक्शन की एंड क्वालिटी की। तो दोस्तों, आप जब भी होस पाइप का सिलेक्शन करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वो तीन लेयर के होस पाइप होने चाहिए, जिसकी पहली लेयर पॉलिस्टर की होनी चाहिए और दूसरी लेयर नायलॉन की और तीसरी लेयर रबर की होनी चाहिए। और दोस्तों, होस पाइप का यूज करते समय हमेशा जुबली केलम का यूज करना चाहिए, ताकि हमारा कनेक्शन लूज ना रहे या किसी तरह का लीकेज जैसी समस्या ना हो। अगर बात करें पाइप के कलर वाइज की, तो दोस्तों, ऑक्सीजन गैस के लिए हमेशा ब्लू कलर के पाइप का यूज किया जाता है,
और फ्यूल गैस के लिए रेड कलर के होस पाइप का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कटिंग टॉर्च की। तो दोस्तों कटिंग टॉर्च में भी हम फ्लैश बैक अरेस्टर का यूज़ करते हैं जो कि सेफ्टी के लिए। कटिंग टॉर्च में दो रेगुलेटर वॉल्व लगे होते हैं जिससे हम वर्क पीस की थिकनेस के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन या फ्यूल को प्रेशर को सेट करते हैं और प्रेशर को सेट करने के बाद कटिंग टॉर्च को सेफ्टी से जलाने के लिए स्पार्क लाइटर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कटिंग नोजल की। तो दोस्तों अलग अलग वर्क पीस की थिकनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स के नोजल आते हैं, जैसे कि ऑक्सीप्रोपेन गैस की कटिंग करने के लिए PNM टाइप्स के कटिंग नोजल का यूज किया जाता है जो कि दो मटेरियल से अलग अलग पार्ट में बने हुए होते हैं, जिसका बाहरी हिस्सा कॉपर से बना होता है और दूसरा अंदर का हिस्सा ब्रास मटेरियल से बना हुआ होता है। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं जिसे ऑर्फिस कहा जाता है और इन्हीं होल से हमारी ऑक्सीजन और प्रोपेन गैस पास होती है जिससे प्री हीटिंग का प्रोसेस होता है और प्री हीटिंग के प्रोसेस के बाद सेंटर में बने इस होल से हमारी ऑक्सीजन गैस के प्रेशर के साथ पास होती है जिससे हमारे वर्क पीस की कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं PPE की, यानी कि सेफ्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेफ्टी के लिए हम जो यूज करते हैं वो सेफ्टी अपरन, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हैंड ग्लव, सेफ्टी ग्लास एंड सेफ्टी शूज। दोस्तों वर्क पीस की कटिंग के दौरान इन इक्विपमेंट का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे खुद की सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।